हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योति की वज रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल देसी तरीके से ये लाल मिर्च की अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। उस विधि से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। कई सालों तक आप इस अचार को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मिर्चा जो है ना, इसी मौसम में ये बाज़ार में मिलता है, ये ठंड के मौसम में। तो आप आसानी से बाज़ार से ये लाल मिर्चा ले आइए और फटाफट इसका अचार बनाइए। तो आइए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 1/2 kg के करीब ये लाल मिर्चा है, जिसे हमने धो करना अच्छे से सुखा लिया है धूप में रखकर। आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। इसमें ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पानी नहीं दिख रहा, अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं आगे की। तो यहाँ पर ना मिर्ची को हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं कितना बड़ा टुकड़ा रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना इसकी डंडी को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये 1 इंच के करीब मैंने लंबाई में काटा है, इस तरीके से। आप चाहें ना तो ये बीच के जो बीज दिख रहे हैं ना, उसको निकाल भी सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं निकालूंगी, उसको ऐसे ही हम रहने देते हैं। यहाँ रख लेते हैं इसको साइड में। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बाकी की मिर्चियों को भी कट करूंगी। इसमें ना आप अचार बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आपको सूखे हाथों से, बर्तन सूखा हो, चाकू सूखा हो, बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, तभी आपके अचार ना ज़्यादा दिन तक स्टोर रहते हैं। अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं तभी आप अपने अचार को। तो बिना किसी झंझट के ना बहुत ही कम टाइम में आप ये अचार बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये आपका अचार तैयार होता है। अब आपको ना दादी माँ या नानी माँ, कभी भी जो आपने बचपन में अचार खाया होगा, वो अचार आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये अचार तैयार होता है। तो इसी तरीके से ना आपको सारी मिर्ची को कट करना है। ये रेसिपी मैं जो आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही आसान है, तो आप बहुत ही आराम से ये अचार बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। ये मिर्ची ना इसी टाइम मार्केट में मिलती है, तो इसी सीजन में ये अचार तैयार होता है। हमारे घर अधिकतर ये अचार बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कई सालों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, दाल चावल किसी के साथ भी खाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मिर्ची को कट कर लिया है। अब इसे मैं 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखूँगी, ताकि जो इसके अंदर थोड़ी नमी रहती है ना, वो भी अच्छे से सूख जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ी नमी दिखती है ना, तो धूप में रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर भी सूख जाती है, तो आपका अचार ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो चलिए अब इसको हम धूप में रखेंगे और तब तक हम मसालों की तैयारी करेंगे। तो मिर्च को तो मैंने धूप में रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसके मसाले तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वो सारे मसाले रखे हैं ना, जिसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सरसों के दाने लिए हैं, वजन से देखेंगे तो ये 100 ग्राम के करीब है। कुछ खड़े लाल मिर्च सूखे हुए, तो ये आपको जितना तीखा पसंद है ना, आप उस हिसाब से लीजिएगा। कितना आप तीखा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। 1 चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच मेथी के दाने, ये सिर्फ टेस्ट के लिए हम डालते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखकर डालेंगे। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच जीरा और कुछ काली मिर्च है। काली मिर्च ना बिल्कुल गिनती से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब इन सारे मसालों को ना मैं एक कढ़ाई में डाल लूँगी और थोड़ा सा सिर्फ 1/2 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये गर्म हो जाए उतना ही हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। गैस को ऑन करके बस थोड़ा सा भूनना है इसे हमें, बहुत ही बढ़िया सा। ये आप भूनते हैं ना, इसे रोस्ट करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा अचार का फ्लेवर आता है, मसालों का फ्लेवर आता है। आप ना किसी भी बाहर के रेडीमेड मसालों को ना यूज़ किया करिए, इस तरीके से घर में मसाले बनाइए ना, तो अचार का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ ना गैस को ऑफ कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है।
थोड़ा सा भून लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मसाले ना बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गए हैं। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सर जार लेते हैं, मिक्सर जार भी बिल्कुल सूखा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मिक्सर का जार भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ये सारी छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं ना तो आपका अचार बहुत दिनों तक टिकता है। तो बस आप इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अचार बनाइए और फिर देखिए आपका अचार कितना टेस्टी बनता है और कितने दिनों तक रहता है। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे ना बिल्कुल महीन ग्राइंड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए इस तरीके का आपका मसाला थोड़ा सा दरदरा दिखना चाहिए इस तरीके से। बढ़िया सा मसाला यहाँ ग्राइंड हो चुका है। ये पीसा मसाला तो हमारा तैयार है। अब बाकी के मसाले देख लेते हैं जो हम ऊपर से ऐसे ही ऐड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या अधिक कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए ले रही हूँ मैं, ये तीखा नहीं होता है। 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ज्वाइन और 1 छोटा चम्मच मंगरेल। तो ये सारे मसालों को ना हम ऊपर से डालने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे आपको अलग से दिखाया है और उस मसाले को हमने ग्राइंड किया है। अब सारे मसालों को ना एक साथ हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसमें हम सारे मसाले को मिक्स करेंगे। तो सारे मसालों को ना एक साथ इसमें डाल लेते हैं। अब ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया है उसे भी इसी में डालेंगे। इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ना मसाले का खुशबू आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये सारी तैयारी आप तब तक करते हैं ना तब तक आपका मिर्च भी अच्छे से सूख जाता है, इसलिए मिर्च को ना सबसे पहले काट कर धूप में रखिए, उसके बाद ये सारे मसालों वाली तैयारी करिए। तो इससे क्या होता है टाइम भी आपका कम लगता है और आसानी से आपका अचार भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बढ़िया सा ये मसाला तैयार कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मिर्च भी अच्छे से सूख चुका है। जो इसके अंदर नमी रहती है ना मेन, हमको उसको सुखाना रहता है, तो वो अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए अब इस मिर्च को ना उस मसाले में मिला लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। अभी ना हम इसमें तेल नहीं डालेंगे, जब इसको अच्छे से सूखे मसालों में मिक्स कर लेंगे ना उसके बाद इसमें तेल को डालेंगे। अभी बस ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा ना आपके जो मसाले रहते हैं ना बिल्कुल अंदर तक अच्छे से चल जाते हैं, इसलिए अभी सूखे मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से सारे अचार के ऊपर मिर्च के ऊपर ये मसालों को डाल लीजिए ताकि अंदर तक आपके सारे मसाले चल जाएं। तो यहाँ पर ना मैंने सूखे मसालों को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल लेते हैं, थोड़ा सा भी डाल रही हूँ मैं इसमें सिर्फ मसालों के साथ इसे मिक्स करने के लिए। बाकी का तेल ना हम बाद में डालेंगे, अभी सिर्फ 1 छोटी कटोरी के करीब आपको इसमें तेल डालना है। अब वापस इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे ना मैं एक दिन बाउल में ही धूप में रखूंगी, उसके बाद इसे हम डिब्बे में डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे डिब्बे में डाल दीजिए उसके बाद धूप दिखाइए। डिब्बे में डालने के बाद भी इसमें धूप दिखाएंगे, पर मैं एक दिन के लिए इसे धूप में इसी तरीके से रखने वाली हूँ। पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मसाले अचार में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बढ़िया सा। अभी ना इसमें तेल और नहीं चाहिए, इतना ही तेल काफ़ी है। अब इसे चलिए ना हम इसी में धूप में रख देते हैं, उसके बाद इसे डिब्बे में डालेंगे और उसके बाद और तेल डालेंगे। तो इसे मैं आपको धूप में रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अचार अच्छे से सूख चुका है। इतना इस बाउल में रख के मैं यहाँ पर इसे सुखाने वाली हूँ। इसके बाद हम इसे डिब्बे में रख कर धूप में रखेंगे 3 से 4 दिन। सबसे पहले इसमें हम तेल मिलाएंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल सरसों का तेल मिला रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी मैंने कोई गर्म नहीं किया है,
मैंने हमेशा अपनी अचार की वीडियो में कहा है कि हम लोग नॉर्मल सरसों का तेल डालते हैं, उसे गर्म नहीं करते हैं, तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से दिख रहा है ना, कितना बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने एक सूखा डिब्बा लिया है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब उसमें अचार डालेंगे और उसके बाद ना डिब्बे में रख कर हम 3 से 4 दिन इसे अच्छे से धूप दिखाएंगे। किसी भी अचार के लिए धूप ज़रूरी होता है। आप ना एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अचार निकालिएगा बिल्कुल हमेशा सूखे हाथों से, या फिर चम्मच से निकाल रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाल मिर्च का अचार रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला। तो आज के अचार की रेसिपी कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने पहले नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।